नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में 19 नए कोरोना मरीजों की हुई पहचान। प्रदेश में आज 19 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जिसमें बीजापुर से 3, नारायणपुर से 6, कांकेर से 8 और दुर्ग से 2 मरीज शामिल हैं। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,324 तक पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 666 है। सरकार से ब्लूप्रिंट मांग रही भाजपा का हमारे पास काला चिट्ठा मौजूद है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व की रमन सरकार को जमकर घेरा है। मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया कि सरकार के पास भाजपा कार्यकाल का काला चिट्ठा मौजूद है। रविन्द्र चौबे ने कहा कि भाजपा के नेता सरकार से ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, खुद भूल गए हैं और हमें हमारे वादे याद दिला रहे हैं। रविन्द्र चौबे ने आगे कहा कि हमारे पास भाजपा कार्यकाल के ब्लैक प्रिंट मौजूद है, सरकार के पास बीजेपी कार्यकाल का काला चिट्ठा है। आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों की जानकारी दे रही है। नक्सलियों ने आरक्षक के माता पिता का किया अपहरण। किरंदुल थाना के गोमियापाल के नक्सलियों ने सोमवार रात को एक आरक्षक के माता पिता को अगवा कर लिया। आरक्षक अजय तेलाम किरंदुल थाने में पदस्थ है। देर रात नक्सली ने तेलाम के घर पर दस्तक दी। आरक्षक अजय तेलाम के बारे में पूछताछ करने के बाद उनके माता पिता को अगवा कर लिया। पुलिस इस इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। पत्नी ने की हैवानियत की सारी हदें पार, अपने पति को जिंदा जलाया। जिले में एक वकील ने अपनी मृत्यु के पूर्व बयान में अपनी पत्नी पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। बयान देने के बाद घायल वकील की मौत हो गई। पुलिस के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में वकील ने बताया कि उसका 28 जून को खाना बनाने को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी ने घर पर रखा केरोसिन छिड़क कर उसे आग लगा दी। वकील की मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल एजेंसी का संचालक कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में सभी लोगों के लिए जाएंगे सैंपल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल एजेंसी का संचालक कोरोना पॉजिटिव मिला है। 11 प्राइमरी कॉन्टेक्ट में 4 चिकित्सक भी शामिल है। सभी चिकित्सकों के भी सैंपल लिए जाएंगे। इन्होंने शहर के 2 निजी अस्पताल में चिकित्सकों से भी इलाज कराया था। बलरामपुर जिले के 2 चिकित्सक भी इनके संपर्क में आए थे। हालांकि किसी दूसरे प्रदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पीड़ित को कोविड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लापता नर्सिंग छात्रा की हत्या कर डोंगरगढ़ की पहाड़ी में फेंक दी थी लाश, आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव की लापता नर्सिंग स्टूडेंट की हत्या करने के बाद उसकी लाश डोंगरगढ़ की पहाड़ी में फेंक दी गई थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कवर्धा जिले के रणबीरपुर लोहारा निवासी 20 साल की सुमन पटेल अक्टूबर 2019 में लापता हो गई थी। करीब 9 महीने के बाद पुलिस ने मामले की फाइल दोबारा खोली तो खूनी वारदात का सच सामने आया। नर्सिंग स्टूडेंट का उसी के गांव में रहने वाले मनोज वैष्णव के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों 6 अक्टूबर 2019 को घूमने के लिए डोंगरगढ़ गए थे, जहां उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने सुमन की हत्या कर लाश डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर छिपा दी। 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 22,252 पॉजिटिव केस। कोविड-19 का आंकड़ा पहुंचा 7,19,665। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 22,252 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इस महामारी से 467 लोगों की जान गई है। कुल मामले की बात करें तो भारत में अभी तक 7,19,665 मामले सामने आ चुके हैं। नहीं खेला जाएगा 2020 T20 विश्व कप। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 18 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित कर सकता है। अगर विश्व कप कैंसिल होता है तो IPL 2020 के आयोजन की पूरी संभावना है। सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा के ट्रेलर ने तोड़ा हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है और 24 घंटे से भी कम समय में इसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जहां बॉलीवुड फिल्में उनके मेकर्स और स्टार्स आपस में एक दूसरे के रिकॉर्ड्स तोड़कर ही खुशी मना लेते हैं। वहीं दिल बेचारा के ट्रेलर ने हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। हॉलीवुड की अब तक की
की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों एवेंजर एंडगेम और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर को भी क्रमशः 19 लाख और 36 लाख लाइक मिले थे। एवेंजर्स एंडगेम को भारत में बहुत पसंद किया गया था और ऐसे में ऐसा रिकॉर्ड टूट जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।